बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरजादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाज़िर हूँ और हम अपनी पीएमओ डिस्कशन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज दोबारा एक नए गेस्ट के साथ मौजूद हैं। सदफ़ ने अपना टाइम निकाला है, बहुत शुक्रिया सदफ़ आपका, हमें आपने ज्वाइन किया। सदफ़ जो हैं वो CIO हैं पेप्सिको पाकिस्तान की और सीजन प्रोफेशनल हैं, टेक्नोलॉजी से उनका ताल्लुक है। खुद आपने आपको इंट्रोड्यूस करेंगी, दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट दिस। और इंटेंशन यही है कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मुख्तलिफ फैसेट्स को टच कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो आज भी जो है हम फ्रेमवर्क दो दो फ्रेमवर्क्स उठाएंगे, दो या तीन फ्रेमवर्क्स, उनको क्रिटिक करेंगे थोड़ा सा और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं सक्सेसफुल रही हैं उनके एक्सपीरियंस में जब उन्होंने फ्रेमवर्क को अप्लाई किया, और फिर जिस तरह दुनिया इवॉल्व कर रही है तो किस कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें पिक करनी चाहिए और एक कन्वर्सेशन स्टाइल में जो है हम आगे चलेंगे। तो शुरू करते हैं। सदफ़, थैंक्स फॉर कमिंग, और अपने आप को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें हमारी ऑडियंस के लिए एंड देन लेट्स गेट टू द टॉपिक। Assalamualaikum Umar. Assalamualaikum everyone. It's really nice to get this opportunity. As Umar has pointed out, I work for PepsiCo as a CIO in Pakistan. लेकिन उमर का और मेरा कनेक्शन काफी पुराना है. We've known each other for over 20 years now. We were batchmates from university days. तो I think career हमकी शुरुआत हमने तकरीबन साथ साथ की. And obviously we've stayed in touch. So thank you once again for thinking of me when it comes to the topic. And I think project management is an area which is a bit of a passion for me. So over time, I moved across various organizations. I tried out different verticals in the industry. बहुत सारी different domains को explore किया. Started off as a programmer, then went on into consulting. तो टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्रेजुअली वो चीज़ एक सॉलिडिफाई होती गई कि दिस इज एन एरिया इन विच आई नीड टू स्पेशलाइज. तो फिर मैंने अपना मास्टर्स भी जब शुरू किया तो उस टाइम पे सिर्फ फास्ट ही कराची में करा रहा था. तो मैंने फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपना एमएस करने का डिसीजन दिया. एंड आई ऑनेस्टली आई नेवर रिग्रेटेड डूइंग दैट. अ लॉट ऑफ पीपल देन वेंट ऑन आफ्टर देयर कोर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कुछ चले गए MBA की तरफ, कुछ चले गए MIS की तरफ, कुछ लोगों ने अपनी फील्ड चेंज कर ली, वो चले गए बैंकिंग वगैरह की साइड पर. बट जनरली आई फील के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फ्लेवर है और जो एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्लेवर है, वो हमारी जिंदगी के हर एरिया में अब बहुत ज्यादा परवेजिव हो गया है. एंड इट्स नॉट जस्ट समथिंग के नहीं, इफ यू आर इन एन आई टी कंपनी विच इज डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड विच इज क्रिएटिंग एप्स, तो अच्छा आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होगी. रिगार्डलेस आप FMCG में काम करते हैं, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो अब या आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, रिगार्डलेस यू नीड टेक्नोलॉजी, यू नीड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स. You need to engage in those deployments and implementations जो कि आपके work life के हर area को touch करती हैं, चाहे वो human resources हो जाए, चाहे वो आपका recruitment process हो, human resources का payroll हो गई, onboarding of new employees हो गई, all the way to accounts payable, receivable, creation of a website, be it a core banking system, be it a manufacturing concern like we have plants, so हमारे पास वहाँ पे ERP चलता है. अब वो ERP Oracle हो, SAP हो, doesn't matter. So every organization, regardless of the nature of business or the kind of audience that they're targeting, is highly dependent on technology. और technology का जो एक inception, यानी ideation से लेके development deployment तक का जो time होता है, वो एक life cycle कहलाता है. और उस life cycle में बहुत से डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, फ्रेमवर्क्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आते रहे हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ वेरी ओल्ड फील्ड, इट्स बीन अराउंड फॉर डेकेड्स. लेकिन एजाइल इज रिलेटिवली अ न्यूबी. इनफैक्ट फन फैक्ट, 4th Feb 2021 वाज द 20th एनिवर्सरी ऑफ एजाइल. तो मतलब यू कैन इमेजिन के तकरीबन हमारी ग्रेजुएशन और एजाइल मैनिफेस्टो का लॉन्च सिमिलर सिमिलर टाइम फ्रेम में हुआ.
सो यू नो उस टाइम पे जब हमने काम शुरू किया उस वक्त वाटरफॉल आइट्रेटिव यही ज्यादा चल रहे होते थे. बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो छोटे से छोटा प्रोजेक्ट हो दिस इज वॉट एवरीबडी वॉज कम्फर्टेबल विथ. एजाइल किताबी बातें लगती थी. जब हमने मास्टर्स भी शुरू किया तो उस टाइम पे एजाइल को आए हुए कोई तकरीबन 7-8 साल हुए थे, लेस देन अ डेकेड. सो इट वॉज स्टिल अ वेरी इवॉल्विंग एंड कटिंग एज यू नो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी. जिस तरह से हम आजकल बात करते हैं तो हम कहते हैं RPA साउंड्स गुड साउंड्स इंटरेस्टिंग बट क्या चलेगा हमारे डोमेन में चलेगा क्या हम सक्सेसफुल होगा. सो उस जमाने में एजाइल और एजाइल से रिलेटेड जितने भी उन्होंने पैटर्न्स बनाए थे वो सारे सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेरिमेंटल या एक बीटा वर्जन के अंदर थे एंड पीपल वर जस्ट एक्सप्लोरिंग. उनका ख्याल था कि यू नो ठीक है छोटे प्रोजेक्ट पे इसको लगा के देख लेते हैं एंटरप्राइज पे ये लग सकता है या नहीं लग सकता. तो मतलब एक जर्नी है जिस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इवॉल्व हुई है आई थिंक एजाइल भी साथ साथ इवॉल्व हुआ है. काफी लोगों ने उसकी कोई हाइब्रिड मॉडल्स भी अपना कर देखे कि ठीक है कुछ पार्ट प्रोजेक्ट का एजाइल से कर लेते हैं कुछ पार्ट जो है ना फेजेस हम वाटरफॉल पे कर लेते हैं. सो देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल दैट्स व्हाट आई थिंक इनिशियली इन माय करियर. जब फॉर एग्जांपल मुझे 5-6 साल हो गए थे उस टाइम पे मैंने जब TRG ज्वाइन किया तो काफी ज्यादा फास्ट पेस काम चल रहा था. रिक्वायरमेंट्स बहुत तेजी से आ रही थी. इट दे वर वर्किंग ऑन एन AI प्लेटफॉर्म. वो प्लेटफॉर्म एक बहुत ही कटिंग एज और पेटेंटेड प्लेटफॉर्म था जो किसी ने दुनिया में वो काम नहीं किया हुआ था. तो आपके पास ना कोई फाइनाइट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स या कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट ब्लूप्रिंट नहीं था अवेलेबल. जैसा एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का होता है या एक आपने एक वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है. आप कहते हैं अच्छा ठीक है दिस इज द ब्लूप्रिंट दिस इज द प्लेबुक इस हिसाब से हम इसके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द वाटरफॉल. बट जहाँ पे आप दुनिया में पहली दफा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंजन डेवलप कर रहे हैं जो कि मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ इंटीग्रेट करेगा चाहे वो अवाया हो सिस्को हो नॉर्टेल हो जेनेसिस हो. तो अब इनके साथ किसी ने इस लेवल की इंटीग्रेशन की नहीं थी कि आप उसमें एम्बेड हो जाएं और आप उनकी राउटिंग को ओवररन कर लें. तो दिस वॉज समथिंग अनहर्ड ऑफ और इट वॉज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें क्योंकि ये नेचर ऑफ वर्क ऐसा है तो हमारे लिए तो वाटरफॉल चल ही नहीं सकता बिकॉज वी कांट प्रेडिक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी. बिल्कुल. वहाँ पे मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था. दिस वॉज 2009 जहाँ पे मैंने पहली दफा एजाइल इन एक्शन देखना शुरू किया था. We were a very small team. They were operating like a startup at that time. TRG group बहुत बड़ा था लेकिन जो SatMap के नाम से जो कंपनी लॉन्च की थी जो अब Affinity कहलाती है तो Affinity is now माशाल्लाह like a $2 billion company. But it's a company of around like 30-40 people. Okay. And we were operating on shared premises with their call center, the BP operations of the TRG group. तो हमें एक छोटा सा स्पेस दे दिया था FTC में हम वहाँ पे ऑपरेट करते थे. एजाइल में हमने जो चीज़ें सीखी वो ये सीखी कि ठीक है यू डोंट नीड टू हैव एन एंटायर टीम ऑफ पीपल डूइंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन. यू डोंट नीड टू हैव अ बिग टीम ऑफ पीपल डूइंग बिजनेस एनालिसिस. यू डोंट नीड टू हैव सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के जी जो डिवेलपर है वो कोड करेगा वो QA नहीं करेगा जो डेवलपर है वो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेगा. वहाँ पे काफ़ी सारे रोल्स कंबाइन हो गए और जो कि उसमें एक होता है कि जी अच्छा जी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होगा टीम सेल्फ रेगुलेटेड होगी स्क्रम मास्टर का. वो एक मेथोडोलॉजी है स्क्रम की जो काफ़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज फॉलो करती हैं. इट्स वेरी सक्सेसफुल. छोटे टाइम बॉक्सेस के अंदर जो स्प्रिंट्स कहलाते हैं उसमें आप डेवलपमेंट करते हैं. हर स्प्रिंट के एंड पे एक वर्किंग मॉडल और वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है. दैट मींस कंप्लीट एंड टू एंड आइडिया डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग रिलीज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल इन अ टाइम बॉक्स. तो आइट्रेटिव भी है लेकिन सेल्फ कंटेन्ड भी है. सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आप जो है वो अपना सिस्टम पहले दो स्प्रिंट्स के बाद भी आप लॉन्च कर सकते हैं. Have people interact with that while somebody else is developing something. You never fear ke ji piche cheezein break ho jayengi because aapne design is tarah kiya hota hai ki iterative ke andar we gradually increasing incrementally working on features.
वर्किंग ऑन मॉड्यूल्स, वी वर्किंग ऑन फीचर्स एंड दोस फीचर्स आर गेटिंग एडेड. कि अच्छा ठीक है, रिबन उसमें 4 बटन है, कल को 5 हो जाएंगे, तो पिछले 4 पिक्सल में होंगे, 5वां भी ऐड हो जाएगा. बहुत मजे का एक्सपीरियंस था. वी वर लर्निंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑन द गो, सेल्फ एजुकेटिंग अवरसेल्व्स, टेकिंग कोर्सेज ऑनलाइन. अब तो पीएमपी भी एजाइल सर्टिफिकेशन दे रहा है, देयर आर अदर एंटिटीज जैसे सेफ एजाइल सर्टिफिकेशंस हैं. तो अब तो ये काफी फॉर्मलाइज्ड हो गया है. उस टाइम पे पीएमपी का मतलब होता था द स्टैंडर्ड पीएमपी. देयर वाज नो एजाइल पीएमपी अवेलेबल एट दैट टाइम. डॉक्यूमेंटेशन भी काफी हैपहैजर्ड सी थी, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव बुक्स नहीं लिखी गई थी. इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि बहुत मेजर सक्सेस स्टोरीज हों, केस स्टडीज हों. जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स थे उनको बेंचमार्क करने का टाइम नहीं लोगों को अभी तक मिल सका था कि अच्छा ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया, इसके 3 साल बाद अब हम ये रिजल्ट डिराइव करें. सो इट वॉज वेरी, वी फेल्ट लाइक वी आर ऑन द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी. वी फेल्ट लाइक वी आर वन ऑफ द स्पीयर हेडिंग पीपल, स्पेशली इन पाकिस्तान, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच आर एक्चुअली इंटेंसिवली वर्किंग ऑन दैट. एंड उसका रीजन ये था कि हमें सपोर्ट किस तरह मिली. हमें सपोर्ट इस तरह मिली कि हमारे क्लाइंट्स दे वर वेरी वेल वर्स्ड इन एजाइल, बिकॉज वो यूएस बेस्ड क्लाइंटल ज्यादातर थी. जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स वहाँ पे बेस्ड थे दे वर फेमिलियर विद दैट. अ लॉट ऑफ देम हैड बीन वर्किंग इन सिलिकॉन वैली और एसोसिएटेड विद कंपनीज ओवर देयर. सो दे वर काइंड ऑफ लाइक द पीपल हु रियली न्यू कि हाउ द गेम इज प्लेड. वहाँ से काफी लर्निंग हुई. अच्छा फिर थोड़ा सा एक हमारा ना कल्चरल भी एक एस्पेक्ट इसमें आ जाता है, क्योंकि software development and project management is not just a science. I think it's an art. It's partly human and partly machine based. So isme ek personal element, ek human element aa jata hai, cultural element aa jata hai, because a change is something which comes naturally to some people and it does not come naturally to other people. Agile is based on the fact that change is the only normal, inevitable, the only constant. Inevitable change hoga. The designer developer has to figure out a way to incorporate this. So it's a different mindset hai. Hum safe normally hum chahte hain, hum safe rahe, hamare paas end to end hame picture clear ho, yahan se shuru karenge, yahan jayenge, is ek milestone fixed hamare honge, us time pe wo milestone ho jana chahiye, usme koi loop back nahi hoga, koi revisions nahi honge, just everything needs to happen perfectly on a perfect timeline. But the reality of the software industry is ke aisa koi project hota nahi hai. Utopia mein hota hoga, reality mein nahi hota. So you know, just a pun intended, but honestly the reality is very different. Even the best intentioned projects staffed with the top notch technical people, with the top notch experts, wo bhi fail ho jate hain because of various reasons. Complexity is there. So I think jo cheez mujhe lagta hai agile is very intuitive. It's not very rigid on process. It's light on process. Aisa nahi hai ki process hai hi nahi. It's light on documentation. ये नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. अ लॉट ऑफ पीपल मिसकंस्ट्रू दीस थिंग्स एज वेल. कहते हैं कि अच्छा जी एजाइल करना है, ठीक है, दैट मींस कि बस कोड करते रहो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. इट्स नॉट दैट. जस्ट डू इनफ डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट डू इनफ टेस्टिंग, जस्ट डू इनफ डिजाइन टू गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू लुक लाइक. बट डोंट स्पेंड योर एंटायर यू नो 80-20 वाला. Spend maybe 20% of time on these things and 80% on actually value driven jo aapki development hoti hai na uske andar ki client ko kuch nazar aaye pehle sprint ke baad hi usko kuch chalta firta koi cheez nazar aaye wo kahe okay oh I see something this is working yes I like it I don't like it this is not what I was looking for prototyping kar le ab usme jo kehte hain chabi rad mein aur prototyping model mein usme kya farak hai isme kafi farak hai because isme jo modules ya features aap launch karte hain wo aapne basically plan out pure kiye hue hote hain aap kehte hain this is an epic would be a feature of a significant magnitude then you split it you make it more granular to planning isme bahut solid hoti hai because obviously the more you and the better you plan and the more foresight and the more experience based on that you have to aapki jo granular planning hogi na wo achhi hogi and then you will be able to design things in such a way structure things in such a way ki phir jo marzi change aa jaye aap usko
अपने स्ट्राइड में ले लेंगे आप, उस पे आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो बेल आउट नहीं हो जाएगा कि सही. ओ अब ये चेंज आ गया है, अब ये हम कैसे करें इसके लिए, तो लेट्स स्क्रैप इट। फिर उस समय में डिजाइन पैटर्न्स भी काफी ज्यादा लेट 90s में दे वर कमिंग इन, अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट के यू नो द मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ डिजाइन पैटर्न्स वर्क्स वेरी वेल विथ एजाइल मेथोडोलॉजीज। बहुत से कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स नजर आ रहे होते हैं जिनको आप रिकरिंग सॉल्यूशंस, आप एक एलिगेंट सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज थिंग्स। फिर बहस शुरू हुई कि अच्छा अब एजाइल में ऑब्वियसली यू नो व्हेन अ न्यू थिंग इज कमिंग इन, हर बंदा अपनी एक उसके अंदर एक अपना एक कंट्रीब्यूशन लाना चाहता है। सो देयर वर अ लॉट ऑफ एजाइल प्रैक्टिशनर्स एंड दे फेल्ट नो आई हैव अ बेटर वे ऑफ डूइंग दिस। हाँ ठीक. लाइक द जनरल आइडिया आई फॉलो द मैनिफेस्टो, बट इस मैनिफेस्टो के अगेंस्ट आई हैव अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ टू डू द रिप्रेजेंटेशन। तो कैनबैन का मॉडल निकला। अब मतलब ये नहीं कि कैनबैन बेहतर है या स्क्रम बेहतर है, बहुत सारे लोग इस पे भी बहस में चले जाते हैं कि जी कैनबैन जो है वो मतलब वो ज्यादा बेहतर है और स्क्रम जो है वो बेहतर नहीं है। माय देखें, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि एजाइल जो है ना इट्स नॉट जस्ट अ मेथोडोलॉजी, इट्स नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ माइंडसेट, इट्स बिल्कुल. अ माइंडसेट गेम, राइट। अब हम हर वक्त बिजनेस डोमेन में अक्सर लोग जो बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिजनेस में किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके निकलते हैं, मार्केट में आते हैं, जॉब्स करते हैं, एजिलिटी, बिजनेस एजिलिटी, एंटरप्राइज एजिलिटी बहुत ज्यादा बज वर्ड है पिछले 4-5 साल से। दिस इज ऑल दैट यू हियर अबाउट। कोविड में एक्सेलरेट हो गया है, एंटरप्राइजेस हु आर एजाइल विल सर्वाइव, अदर्स विल नॉट सर्वाइव इन द न्यू नॉर्मल, स्टफ लाइक दैट। व्हाट इज एंटरप्राइज एजिलिटी? इट्स नॉट अ फॉर्मूला, इट्स नॉट यू नो लाइक अ मैजिक वॉन्ड, इट्स अ माइंडसेट। सम ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप इट इन देयर पीपल, सम डोंट। जो कर लेती हैं और जल्दी कर लेती हैं, जिन्होंने एजिलिटी रखी है, फिर वो किसी भी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके एजाइल हो सकती हैं। सो ऑल मेथोडोलॉजीज आर गुड, डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर बिजनेस इज, व्हाट योर नेचर ऑफ वर्क इज, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स डू यू डू, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हर मेथोडोलॉजी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट को सफिस कर रही होती है या दो तीन चीजों को सफिस कर रही होती है। देयर इज नो वन साइज यू नो वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ थिंग। तो अब लोग पूछते हैं कि अक्सर लोगों का ये सवाल आता है कि ठीक है हाउ डू वी डिटरमिन यू नो मतलब कौन सा, मतलब कौन कि सा मैं कौन फ्रेमवर्क सा, यूज की. हाँ मैं कौन सा फ्रेमवर्क यूज करूँ, इस मेरे लिए कौन सा बेहतर होगा। तो देखिए कंपैरिजंस तो बहुत हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, वहां से कैनबैन का ओरिजिन है, स्क्रम का ओरिजिन जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से है। सही. तो यहीं पे आप को फर्क नजर आ जाता है। उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंपनीज हैं वो सिक्स सिग्मा या कैनबैन की तरफ ज्यादा जाती हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड कंपनीज हैं या जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंटेंसिव काम ज्यादा है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं लेकिन दे आर हैवी कंज्यूमर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वो स्क्रम पे ज्यादा जाती हैं। कंपनीज लाइक पेप्सिको फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोर मैन्युफैक्चरिंग है वो लीन सिग्मा ही यूज करती है, लेकिन हमारी जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो एजाइल पे आ गई है। एजाइल में उन्होंने डेवसेक ऑप्स को अडॉप्ट किया, उसके अलावा एजाइल में फिर वो स्केल्ड एजाइल पे चले गए। उन्होंने जब डेवसेक ऑप्स को अडॉप्ट किया मे बी 3-4 years अगो, तो उस टाइम पे व्हाट दे डिड वाज दे डिड एजाइल स्क्रम इन एट टीम लेवल। स्क्रम को कर दिया उन्होंने कहा कि जी ठीक है रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड उनके लिए स्क्रम ठीक है, वी लाइक दिस आइडिया बिकॉज हम हर चीज हम ऑटोमेट कर रहे हैं, हमारा अकाउंट पेबल का प्रोसेस, हमारा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस, ट्रैवल का प्रोसेस, एक्सपेंस क्लेम का प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू इंटरैक्ट विद अ सिस्टम। तो हमें हर चीज के लिए सिस्टम चाहिए, और सिस्टम चाहिए तो सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए तो जो मेथड या मेथोडोलॉजी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। अच्छा, जब एक सर्टेन लेवल तक एडॉप्शन हो गया एजाइल का इंडिविजुअल एंटिटीज पे, जैसे कंट्री लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, सेट कि अब हमें ना इसको एंटरप्राइज पे लेकर आना है। ठीक. तो एंटरप्राइज पे कैसे लेकर आए, देन कम्स इन सेफ। सो जो स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क है वो बेसिकली इट्स एजाइल फॉर एज यू नो इट मतलब इन एजाइल फॉर टीम्स,
that have already become agile, but now they want to be enterprise level, enterprise level agility, comprising of many multitudes of agile teams. Scrum of scrums वाला जो concept है वो आ जाता है. फिर बात ये होती है कि अच्छा अब ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है. इसमें आप फिर कहते हैं कि जी कैनबैन का आइडियोलॉजी क्या थी. कैनबैन की आइडियोलॉजी थी यूज मोर विजुअलाइजेशंस टू इम्प्रूव योर वर्कफ्लोस एंड प्रोसेसेस. स्क्रम जो है ना वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाता है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर नॉर्मली लोग इन्वेस्ट करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और उसका जो आउटपुट होता है दैट्स मोर लाइक प्रोडक्ट्स. आउटपुट है मतलब कि जल्दी जल्दी आउटपुट निकालना है जी. कैनबैन में क्या है, प्रोसेस में इंजीनियरिंग करनी है कैनबैन लगा दे. आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई मॉड्यूल डेवलप करना है, कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है जिसमें टेंजिबल प्रोडक्ट आना है, आप बेहतर है कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के स्क्रम पे चले जाएं. प्रैक्टिसेस क्या है, अब प्रैक्टिसेस में भी डिफरेंस है. जैसे कैनबैन इज मोर विजुअल, सो वो यू काइंड ऑफ क्रिएट लाइक विजुअल फ्लो चार्ट्स ऑफ द वर्क. You limit the work in progress. You try to manage the flow. So for simpler iterations, for simpler initiatives, जिसके अंदर let's say आपका HR का process है, उसको simplify करना है. ये project है, definitely project है. It can it be an agile project? Yes, it can be. But will you go through the entire trouble of having a scrum master and running a scrum? Or would you rather just create a Kanban board and assign, you know, somebody to manage that and, you know, just make that policies, processes more explicit, implement feedback loops, improve an experiment and do it all visually, like in the form of a storyboarding. So I think for that, the flavor of Kanban would be better. Sahi. But agar aapne ek discipline lana hai agility ke saath, aapko ek certain cadence ke upar, ek certain iterative level ke upar, deliverables chahiye. You need planning, you need daily reviews, 6-15 minute ke daily scrum, you need a 4 week ka aapka sprint hai, 4 week ke baad sprint ka review hoga. Sprint khatam ho jata hai, sprint ka retrospective hoga, like post-mortem analysis of what went right, what went wrong. So ye sab aapne karna hai, lekin agile tarike se karna hai ke theek hai har iteration ke baad koi working deliverable nikalwao to aap scrum laga le. रोल्स भी डिफरेंट होते हैं कैनबैन में, लाइक आई सेड कोई फॉर्मल रोल्स नहीं होते. यू कैन कंटिन्यू टू हैव योर स्टैंडर्ड रोल्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, या यू कैन हैव यू नो प्रोजेक्ट डिजाइनर, यू आर यूएक्स डिजाइनर हु कैन बी लीडिंग दैट, इट कुड बी एनएचआर बिजनेस पार्टनर हु कैन बी लीडिंग दैट, डिपेंडिंग ऑन के फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब. कोई फॉर्मल रोल्स नहीं है. स्क्रम में है बिकॉज स्क्रम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा है, तो देयर इज अ प्रोडक्ट ओनर. Who is the sponsor? Who basically makes sure that he's the things are coordinated across the board? If Scrum is great for cross-functional teams, जहाँ पे multiple teams ने कुछ काम करना है और वो उसका एक integration होकर एक final work product निकलता है. Scrum master is like your master of ceremonies कह लें आप, या project manager से तो less formal होता है definitely, but definitely like a master of ceremonies, वो उसका काम है सब चीजों को schedule पे रखना, timely sprints plan हो. अच्छा epics are like the big ticket items that you need to develop, the big features, the gold epics. आपकी teams हैं, अच्छा ठीक है cloud integration करनी है, ये करनी है. फिर आप उसमें user stories define करते हैं. User stories are your functional requirements, वो आपने उसको t-shirt sizing करानी है. ये कौन करवाएगा, who will make sure कि daily scrum time पे हो रहा है, sprint reviews time पे हो रहे हैं, reviews की जो output है वो actually capture हो रही है, उसको implement किया जा रहा है. तो इसलिए you need a scrum master. अच्छा अब जब scrum to keep everything together, basically to keep everything together to act as the glue. Product owner की eventual ownership होती है. अच्छा अब product कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई furniture का product बना रहे हो सकता है अभी car manufacture कर रहे हो, car का एक model Honda Civic VTI Odil 2020, that's a model that had to come out. Uska design bhi hua hoga, uski development bhi hui hogi, uski manufacturing bhi hui hogi, uski prototyping bhi hui hogi. To matlab that in itself, uska koi ek product manager ya owner hoga, jo ki essentially
अकाउंटेबल होगा उस प्रोडक्ट की सक्सेसफुल डिलीवरी के लिए. फिर ऑब्वियसली डेवलपमेंट टीम है, डेवलपमेंट टीम्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट कैन बी कोलोकेटेड. इवन दो कहते हैं कि बेहतर होता है कि कोलोकेटेड हो टीम्स एजाइल के लिए, बिकॉज सेल्फ रेगुलेटेड होता है, बट वी हैव लर्न्ड इन द लास्ट ईयर दैट कोलोकेशन इज अ बिग मिथ दैट वाज बस्टेड. एंड आई थिंक आजकल विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यू नो विद ऑल द एड्स अवेलेबल टू अस, the team could be sitting anywhere. And honestly, I have experienced that. I mean, we were working with people sitting across 6 or 7 different countries, 6 or 7 different time zones. और कभी नहीं feel हुआ, कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम obviously agile को supporting tools भी होते हैं. Git था, GitHub था, उसके अलावा हमारे पास Jira था. Atlassian के products बहुत अच्छे हैं इसके लिए. You know, they were great at collaboration. Things just went very very smoothly. मेट्रिक्स में भी फर्क होता है ऑब्वियसली. एंड द बिगेस्ट डिफरेंस आई थिंक इज इन टर्म्स ऑफ कि आपने जो स्प्रिंट में काम करना है उसकी वेलोसिटी वर्सेस कैनबन में होता है साइकिल टाइम एंड थ्रूपुट. तो इसमें वेलोसिटी होती है कि अच्छा कितना काम था और कितना हो गया, कितना रह गया, आपका बर्नआउट रेशियो क्या है, बर्नआउट रेट क्या है. सो यू नो देयर ट्रैकिंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क वेलोसिटी. इन कैनबन इट्स more oriented at you know ke hum isko yun kehne ki throughput kitni jaldi nikal aayi hai, what's the time to market, what was the cycle time, kitni jaldi humne visualization kar di, kitni jaldi humne repetitively matlab ye cheez kar di. To essentially matlab dono hi models apni jagah apni bahut khoobsurti bhi rakhte hain, bahut complexity bhi rakhte hain, but generally baat kya aa jati hai ki कोई एक साइज हर चीज को फिट नहीं करता. सो पीपल हैव टू बी अ लिटिल बिट आई फील इनोवेटिव व्हेन इट कम्स टू यू नो कि कहाँ पे क्या लगाना है. ये एक्सपीरियंस भी आपको बताता है. यू नीड टू हैव एजाइल कोचेस अवेलेबल जब आप अर्ली अडॉप्शन स्टेजेस में होते हैं. इट्स नॉट आई फील इट्स नॉट एन ओवरकिल. बहुत लोगों को लगता है कि शायद ये जो है ना ओवरकिल है. मुझे लगता है कि ओवरकिल नहीं है. एजाइल कोच हेल्प्स यू इन दैट जर्नी, बिकॉज अगर आप की जर्नी जो है वो शुरू ही गलत होगी ना, तो मतलब आगे जाके यू विल यू नो रियलाइज के ये जो था ये तो एजाइल चलता नहीं है. और देखिए चैलेंजेस हर मॉडल में होते हैं, रिगार्डलेस कि कितना परफेक्ट मॉडल क्यों ना बना हो, चैलेंजेस हर मॉडल में होते हैं. एंड एसेंशियली द आइडिया इज कि उन चैलेंजेस को आप किस तरह से प्रीएम्प्टिवली मिटिगेट करते हैं. तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि एजाइल इज अ पनेसिया फॉर यू नो ऑल इवल्स या वाटरफॉल बहुत इवल मेथोडोलॉजी थी और उसमें कोई उसमें सारे मसले उसी में थे और अब एजाइल के अंदर कोई मसले नहीं है. ऐसा नहीं है, मसले कहीं भी आ सकते हैं. दे कुड बी रिलेटेड टू पीपल, दे कुड बी रिलेटेड टू प्रोसेस, दे कुड बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, दे कुड बी रिलेटेड टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वेलोसिटी ऑफ द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. मतलब इट कुड बी अ नंबर ऑफ थिंग्स. ठीक है, ठीक है. सदर एक सवाल जहन में आ रहा था. आपने काफ़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मुख्तलिफ अपने करियर से भी और एक्सपीरियंस डिफरेंट कंपनीज का भी. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रेडिशनल तरह से आज काम कर रही हैं, लेट्स से वाटरफॉल और यू नो द ओल्डर मेथड्स, आइटरेटिव मेथड्स पे, और वो अब एजाइल पे जाना चाह रही हैं, तो ऑब्वियसली आपने कुछ चीज़ें तो खुद ही टच की कि फ्रेमवर्क तो चेंज हो रहा है, लेकिन आपने ये पीपल वाला एलिमेंट भी टच किया कि ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बन जाता है कि भाई चीज़ें जो हैं वो इस तरह डिलीवर होंगी वाटरफॉल के अंदर और हम आइट्रेशन में काम करेंगे, चीज़ें पहले से प्लान हो जानी चाहिए. मतलब एक डिफरेंट कम्प्लीटली डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है और वो माइंडसेट शिफ्ट होना है जैसे आपने खुद ही कहा. तो ऐसी कंपनीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या उनकी जर्नी होनी चाहिए फ्रॉम अ ट्रेडिशनल मेथड टू यू नो द एजाइल वेज ऑफ वर्किंग. बिल्कुल. देखिए उमर बहुत अच्छा सवाल है एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू नो comes in the mind of anybody who is trying to be a champion for agile. Ki how do I convince business that
you know this is the right methodology and this is what we need to isme main sabse pehle ye kahungi ki dekhiye we need to be pragmatic like I said agar aapne business ko jaake ye keh diya na ye this is the next level aur bas isse jo hai na aapke sare ha sare masle hal ho jayenge bas aur pichla jo tha wo sab kharab tha that's not the ideal way to approach this matlab उसको ले जाने का जो मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वो एक ग्रेजुअल एडॉप्शन अप्रोच है जिसके अंदर आप ये करते हैं कि आप पहले तो अपने कुछ स्मॉलर प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स को टारगेट करते हैं कि उनको आप पायलट करके देखें सेकेंडली आपकी टीम की ट्रेनिंग और उनकी कोचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आप एक अपना कोर ग्रुप बनाते हैं मिसाल से हमने एक अपनी एजाइल काउंसिल बनाई थी जिसके अंदर हमने क्रॉस फंक्शनली लोगों को रखा था कि जी यू नो वो हमें किसी तरीके से ट्रेन करें कोच करें तो बेसिकली उसमें जो है अभी होता क्या है कि आपने अच्छा ट्रेनिंग करा दी बट ट्रेनिंग आपने बुकिश ट्रेनिंग नहीं कराना यू नीड पीपल हु हैव एक्चुअली when we say coaches they have actually mentored and governed teams who have successfully implemented agile before to unhein pitfalls pata hote hain ki these are the common pitfalls ye common galtiyan hain jo ki har wo organization ya team jo agile pe jati hai wo karti hai you need to bring that out upfront you need to tell people the disclaimers and the caveats and not sugarcoat the things train them make them understand the roles then start working on a broader organization understanding of what agile entails and what is the contribution that is expected from business theek hai hame jo product owner hai wo aksar business se bhi hota hai so somebody who can drive that change somebody who is pro tech somebody who has this agility in them to adopt new things you need to have a good champion or a good sponsor within business Thirdly, आपके जो टारगेट प्रोजेक्ट्स हैं उनका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यू कैन नॉट गो एजाइल विद अ बिग बैंग यू नीड टू आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स के ठीक है व्हाट आर द सम ऑफ द की कंस्ट्रेंट्स रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग बट वी हैव यू नो सम प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स लाइक दिस इट हैज बीन डन इन एन एजाइल वे इन मे बी सम अदर एंटिटीज इन सम अदर कंपनीज The team is well versed in the concepts. They will be able to take care of the changing requirements. Business sponsors are supportive because we are learning as we go. So, आपके जो initial maybe जो 5-10 projects होते हैं, they can make or break the case for agile enterprise. So, if you choose a very complex project, जैसे SAP implementation का project उठा के आपने agile पे लगा दिया, you will fail because it's too complex it's too big it's too high stakes nobody wants to risk anything besides the implementation is a cookie cutter implementation aapki blueprinting ke baad ka jo kaam hai wo to aisa koi robot bhi kar de to usme agile lagane ka koi fayda nahi hai but yes you are creating an application for developing consumer segmentation customer segmentation consumer insights कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स के ऊपर डायनामिकली आप एनालिटिक्स लगाना चाहते हैं यू क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक दैट आप कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें आप बाद में आप D2C D2B मार्केट प्लेस सारा दुनिया इंटीग्रेट आप कर रहे हैं आप उसको कहते हैं पेपैल से भी इंटीग्रेट कर लें बैंकिंग प्लेटफॉर्म से भी कर लें सो दिस दैट माइट बी अ कैंडिडेट उसमें आप ग्रेजुअली यू कैन पिक अप अ स्मॉलर चंक एंड से ओके वी विल गो विद एन ऐप फर्स्ट एंड देन वी विल तो आई थिंक द कोचिंग पार्ट हैविंग द राइट कोचेस ऑन बोर्ड हैविंग द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू एजिलिटी नॉट टू अ पर्टिकुलर एजाइल मेथोडोलॉजी ये नहीं कि कमिटमेंट टू स्क्रम कमिटमेंट टू कैनबैन कमिटमेंट टू एजिलिटी कमिटमेंट टू बीइंग मोर एजाइल अक्रॉस द बोर्ड क्रिएटिंग दैट एजाइल काउंसिल व्हिच हैज क्रॉस फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन business presentation where aap unko train kare unko governance pe sikhaye unko scrum ke roles assign kare have them be a part of that have them lead that change so that matlab unka ek comfort level develop ho and then identify the right projects start small build up on top complexity ekdam se na laye jab humne jira atlassian jira istemal karna shuru kiya tha to
There were so many project management KPIs and metrics as a traditional project manager which I was tracking. लेकिन मैंने नहीं उनको ट्रैक करना शुरू किया जीरा में. एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक व्हाई आरंट यू डूइंग दैट. मैंने कहा देखें, वी वर डूइंग दैट एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स. हम एमएस प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, हम कर रहे थे. अभी हमारा फोकस चेंज हो गया है. नाउ द यूजर स्टोरी, उसका जो वर्कफ्लो चलता है उसके ऊपर 7 मुख्तलिफ लोग कॉमेंट्स करते हैं, अपने आवर्स डालते हैं, अपनी फीडबैक देते हैं. सो इट्स एन आइट्रेटिव लूप. ठीक If the form has 50 fields in it, they are not going to be bothered filling them in. Ulta seedha junk data dal ke, garbage data dal ke, they'll just forward that. Baad mein, as the PMO person, my team is going to have a nightmare of a time filtering out meaningful, extracting meaningful information, because hum us garbage data ka kya karenge? So we want it to be concise. We want to track the key metrics, most important KPIs, and then after 6 months we added more. Then after 3 months we added some more. So hum uske andar granularity late gaye, apni tracking ko mazid behtar karte gaye. But we didn't go for the big bang and say ki nahi, these 500 things need to be tracked from day one on all projects across the board. सही सही, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. और मुझे दिख रहा है आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि यू नो किस तरह आपने जो है डिफरेंट लेट्स से ट्राई कर यू हैव रीच्ड हियर एंड यू आर एबल टू शेयर दैट. उमड़ रहा है क्योंकि दीज आर काइंड ऑफ लाइक वो कहते हैं ना वॉर स्टोरीज आपकी होती हैं, मजे मजे के प्रोजेक्ट हैं कि आप सोचते हैं कि अच्छा यार मतलब दैट वाज आल्सो समथिंग यू नो दैट वाज एन एक्सपीरियंस. और आई थिंक यही रीज़न था मेरा इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का भी, कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस मौजूद है इंडस्ट्री के अंदर, लोग इतना कुछ कर चुके हैं, तो जो नए हैं लोग अब इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं एजाइल को या प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनना चाह रहे हैं, तो उनको कुछ चीज़ें ऑलरेडी एक तरह से प्लेट पर मिल जाएंगे, भाई ये गलतियाँ हमने की हैं, ये ना करो, इसको ऐसे अप्रोच करो, और एक तरह से कम्युनिटी भी बिल्ड हो रही है प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड आई थिंक कम्युनिटी. और कम्युनिटी से याद आया कि कम्युनिटी और प्रैक्टिस जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. अब आफ्टर अबाउट 3 ईयर्स ऑफ बीइंग एजाइल हमारी कंपनी में भी कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश हो रही है सेक्टर लेवल पे. उसका फायदा क्या है, हमें एक दूसरे से सीखना होता है. यू लर्न मोर फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड स्क्रम मास्टर्स एंड प्रोडक्ट ओनर्स, रादर देन कि आप आइसोलेशन में सोचें कि मैं किताबें पढ़ के और मैंने पीएमपी कर लिया. नथिंग अगेंस्ट पीएमपी, बट मैंने पीएमपी कर लिया, मैंने सेफ एजाइल कर लिया. ठीक है, मैंने भी कर लिया पीएमपी, मैंने भी सेफ एजाइल कर लिया, लेकिन मेरी जो रियल लर्निंग हुई है ना वो ऑन प्रोजेक्ट्स हुई है, ऑन ग्राउंड हुई है. वो किताबों ने मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा दी थी, लेकिन उस वो आपको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं सिखाती. जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस के सीओपीस के जो चीते चैंपियंस होते हैं ना वो आपको सिखाते हैं, बिकॉज यू टॉक टू देम यू लर्न एवरी टाइम यू टॉक टू देम, बिकॉज दे आर सीनियर प्रैक्टिशनर्स, दे हैव मल्टीपल एजाइल प्रोजेक्ट्स अंडर देयर बेल्ट. हैविंग दैट डिस्कशन also helps you refine the framework in your organization. Bilkul. It helps you to identify what you did wrong and how what are the pitfalls you need to avoid going forward. Aap apni synergies bhi create karte hain. Aap kuch cheeze ek function acha kar raha hota hai, aap kehte hain theek hai, I think sprint retrospectives falana bahut acha karta hai, we need to follow their format and template. So you kind of like create a synergy where you are learning and you are synergizing and templatizing a lot of the work, which streamlines the process so that everybody at the end of the day is speaking the same language. Yeah, I think aaj aapne ek jo message mujhe mil raha hai aaj ki discussion se wo ye tha ki pick the best of everything. Aapne 3-4 frameworks bhi touch kiye, aapne mukhtalif cheeze bhi ki, aur abhi aap jab keh rahi hain community of practice jo build hua, why you know flexibility रहनी चाहिए, agility आपकी अपने practice में भी रहनी चाहिए कि भाई जहाँ से आपको best चीज मिल रही है और आप value deliver कर रहे हैं, so why not? Agile जो है ना, for agile to truly work, ego has to die. So if no matter how senior a person I am, if I am fixed in my ways, if I'm fixed in my mindset, I can never be an agile leader. I can never be an agile practitioner. I can never be a good product owner, because I will think ki main batau, kyunki dekhiye traditional waterfall mein kya hota tha, jo aapka program manager ya project manager ya senior project manager wo baaki team ko bata raha hota tha how things will work.
इसमें टीम आपको बता दी होती है, टीम एस्टिमेशन कर रही होती है, इट्स मोर बॉटम अप, इट्स मोर बिल्कुल ऑर्गेनिक, इट्स डाउन ग्रास रूट लेवल, और वहां से आप चीजें पिक करते हैं. एंड देन द प्रोडक्ट ओनर इज सिंपली वैलिडेटिंग थिंग्स, दे सिंपली फैसिलिटेटिंग थिंग्स, दे नॉट टेलिंग द टीम हाउ टू वर्क, हाउ नॉट टू वर्क. दे डू क्रॉस चेक एंड वैलिडेट द एस्टिमेशंस, बट दे डोंट टेल देम कि नहीं ये तो आपको 2 दिन में करके देना है. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट माइंड सेट. सो जी, तो आई थिंक थोड़ा सा जो एक चैलेंज आता है ना, जो लोग बहुत सालों तक, डेकेड्स तक वाटरफॉल अप्रोच पे चलते रहे, ट्रेडिशनल अप्रोच पे चलते रहे, उनमें से कुछ लोगों ने तो बहुत सक्सेसफुली एजाइल पे मॉर्फ कर लिया है, ट्रांजिशन कर लिया है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी उस पैराडाइम शिफ्ट में पार्शली सक्सेसफुल हुए हैं, एंड देन एज अ रिजल्ट दे नॉट फुली 100% कमिटेड एंड ऑन बोर्डेड. For agile to work, you have to be fully 100% committed and onboarded. You have to be really passionate about it to work. You have to really believe in the manifesto and really live each aspect of the manifesto. Every single project during the life cycle of delivery. मतलब कोई एक दिन ऐसा नहीं हो सकता आप कहें, okay, आज forget मूड about नहीं हो it. रहा, आज आज मूड नहीं हो आज रहा. waterfall waterfall खेलते हैं तो राइट. सो यू कमिट एंड यू कमिट, वो वाला सीन होता है ना, जैसे मैं फैन ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस, तो यू राइड और डाई, वो वाली सीन. हाँ सही सही, जबरदस्त. तो आई थिंक एक एक सवाल पूछता हूँ और फिर समरी की तरफ चलते हैं कि एक बात तो आई थिंक आपने पूरी आज हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि वर्ल्ड अनसर्टेन है और उस अनसर्टेनिटी को अप्रोच करने के लिए एजिलिटी चाहिए, एंड इसीलिए ये सारे फ्रेमवर्क्स रेलिवेंट हैं और हमें सबको एम्ब्रेस करने चाहिए. तो एक एंटी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल करते हैं, तो कि क्या अभी भी वाटरफॉल की कहीं नीड है या अब हमें छोड़ देना चाहिए, मतलब दैट इज लाइक ओल्ड फैशन. एब्सोल्युटली नीड है, बिकॉज देर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, देर आर सर्टन मॉड्यूलर डेवलपमेंट्स, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की बात करते हैं, हम मॉड्यूलर डेवलपमेंट की बात करते हैं, देर आर सर्टन एरियाज विच आर सो फॉर्मल इन द प्रोसेस दैट दे नीड टू फॉलो. आपको एंड टू एंड उसका ब्लू प्रिंट पता होता है, दिस इज हाउ इट विल वर्क, इससे उसको आगे पीछे नहीं कर सकते. दिस इज अ फिक्स्ड अप्रोच, वी हैव अ वेरी फिक्स्ड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड वी नो एग्जैक्टली हाउ टू इम्प्लीमेंट देम. तो उस केस में वॉटरफॉल एक्चुअली इज सेफर, इज फास्टर. आई नो ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन ऑनेस्टली बिलीव मी, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अप्रोप्रिएट है, आई थिंक रादर रादर लेट्स यूज द वर्ड अप्रोप्रिएट है उस सिचुएशन अप्रोप्रिएट के लिए. है एंड एक्चुअली इट कैन बी फास्टर कंपेयर टू एजाइल. बिकॉज फास्टर क्यों? क्योंकि एजाइल में ना आप पूरी यूजर स्टोरी बोर्डिंग की तरफ जाते हैं. समटाइम्स दैट इज नॉट नीडेड व्हेन द यूज केसेस आर कंप्लीटली क्लियर आइडेंटिफाइड, है बिल्कुल डिटेल्ड, सब एंड टू एंड आपने फुली सब ड्रेस्ड कुछ. यूज केसेस बनाए हुए हैं, सक्सेसफुल, उसकी थाउजेंड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस हो चुकी हैं, उसमें चेंज नहीं आना, कोई कस्टमाइजेशन नहीं होनी, देयर इज नथिंग दैट विल चेंज, इट्स कंप्लीटली टेम्पलेटाइज्ड. तो उस ब्लूप्रिंट को जाके सिंपली एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप एक सीधा साधा वाटरफॉल अप्रोच का फॉर्मूला लगा लें. डोंट यूज अ टैंक टू किल एन एंट. ठीक है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वेरी गुड. तो मतलब जो ट्रेडिशनल हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनको ये नहीं फील उनके करना नॉट चाहिए भी कि सेफ है. उनको प्रेशराइज हो कि एजाइल में आने की जरूरत नहीं है. बट आई थिंक अगर अगर एक बात मैं और कहूँ एज अ समरी हमारी डिस्कशन से, कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर नाउ एक्सपेक्टेड कि उनकी नॉलेज थोड़ी सी एक्सपैंड हो, इन द सेंस कि उनको पता हो कि व्हाट इज आउट देयर, एंड देन फिर जजमेंट कॉल वाला एलिमेंट है कि कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई करनी है. यू कैन नॉट जस्ट फॉलो द बुक ऑफ वन लेट्स से यू नो वन देखिए, साइड. आई थिंक ओवर द टाइम ऑल रोल्स हैव इवॉल्व्ड, राइट. अगर ग्रोइंग अप इन द इंडस्ट्री, अगर मैं 20 साल पहले की इंडस्ट्री देखूं, जो सीआईओ का रोल था बहुत डिफरेंट था, जो बिल्कुल प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल था वो भी बहुत डिफरेंट था. अब अभी वो रोल कंप्लीटली 180 डिग्रीज टर्न हो चुके हैं, उसके अंदर इतनी वेरियंट्स आ चुके हैं, देर आर सो मेनी डिफरेंट कॉनोटेशंस एंड देर आर सो मेनी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पहले एक्सपेक्टेड नहीं था. यू वर सपोज टू कीप द लाइट्स ऑन ऑपरेशंस, यू आर सही है, ग्रेट गाइड. इंटरनेट चल रहा है, अब नेटवर्क चल रहा हाँ, है. अभी यू आर इन सम कंपनीज द चीफ डिजिटल ऑफिसर इज ऑल्सो द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर.
But the world has evolved, right? So the project manager is also the product owner in some cases. The project manager is also the scrum master in some cases. The project manager is also a business partner in some cases, partnering with different entities within the business. So the world has expanded. It has evolved. It's a very, very different. It's a very different hybrid animal from what it was maybe even 10, 15 years ago. Or isliye I think obviously हमारा profession है तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा promote भी करेंगे लेकिन value of a project manager भी अब recognize ज़्यादा हो रही है कि भाई चीज़ें deliver करनी है तो you have realized that everything is a project. मुझे तो लगता है कि being Pakistani हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा entertainment industry जो है वो शादी है तो I think getting married is also a project. So बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी जितनी प्लानिंग और जितनी एग्जीक्यूशन और जितने अनप्रेसिडेंटेड अनफोर्सीन होते हैं क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज होती हैं तो यू नो आई पर्सनली फील प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर स्टिल अंडर वैल्यूड एंड अंडर पेड आई थिंक दिस प्रोफेशन इज वेरी परवेसिव एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्ट लिटरली अब तो ऑपरेशन के अंदर भी प्रोजेक्ट्स होते हैं हाउ टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन how to improve performance, how to optimize network. So, matlab, even operations team are not immune to being projectified. So, I think projects are everywhere. It's all pervasive. So, definitely project managers have a much wider scope to play in and a much more, you know, knowledge is available out there easily for people to self-learn as well. Bilkul. But pehle aapko unlearn karna hai, traditional ways. And then फिर आपको रीलर्न करना नई चीज करनी ठीक जबरदस्त सदफ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी इससे बहुत कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा तो अगर एक समरी अगर हम करें मैं कोशिश करता हूँ हमने ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया तो दैट वॉज वेरी यूजफुल फॉर अस और किस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इवॉल्व की है ओवर टाइम इस तरह वाटरफॉल से और फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्री से चीज़ें सीखते गए मैन्युफैक्चरिंग से और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने मिलकर फिर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई फिर द वर्ल्ड जिस तरह अनसर्टन होता जा रहा है और यू नो करंट अगर हम कोविड की बात करें तो किस तरह अनसर्टनटी को एम्ब्रेस किया है वर्ल्ड ने उसके साथ ही फ्रेमवर्क भी जो है वो इवॉल्व किया है चाहे वो स्केल्ड एजाइल हो चाहे वो पीएमपी खुद हो जो कि एजाइल की तरफ जा रहा है तो आई थिंक ये बात आपने बहुत अच्छा हमें लेसन छोड़ा है आज के लिए और शुरू में आपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स की स्किल्स की बात की कि वो एक्चुअली वो सारी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं मैं ये नोट ले रहा था ज़्यादा इस पर हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन वो सारी स्किल्स जो आपको एक्चुअली लाइफ में चाहिए चाहे वो प्लानिंग की हैं चाहे वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की हैं वो सारी स्किल्स आप वही सीख रहे हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में भी जो है वो अपनी अप्लाई कर सकते हैं उसके अलावा आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे जहन में था आंसर किया कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन क्या कंसिडर करें जो वाटरफॉल पर अभी हैं और फिर उनको एजाइल की तरफ जाना है तो क्या कंसिडरेशन करनी चाहिए उसमें आपने दूसरों से लर्निंग वाली बातें की जो मुझे बहुत अच्छी लगी कंटिन्यूस लर्निंग और एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस एक दूसरे से सीखने वाली कि भाई किसी और ने वो गलती कर ली है तो हम दोबारा से क्यों करें उसमें से सीखें तो वो आई थिंक है कि जनरल कल्चर भी जो है वो लाना है जिसमें एक दूसरे से सीखना कोई बुरी बात नहीं है मतलब इनफैक्ट दैट्स एन एडवांटेज के व्हाई मेक द सेम मिस्टेक And I think we are working in an era where most of the workforce population is millennials or even Gen Zs. So reverse mentoring is definitely a thing that is a reality now. And I think we can learn a lot from the newer generation as well. So, and I personally am a huge fan of Kaizen. So continuous improvement, the Japanese, nobody's better at it than them. And I think that's something that we should all aspire to, whether we are project managers, product managers, and we shouldn't be too stuck up on the labels. Ke ye label methodology ka kya hai, ye role ka kya hai. Sometimes people wear multiple hats as well. Bilkul. But I think end goal ye hai, you continuously improve, you evolve. You try to reduce the time to market, you try to add more customer value or built in the feedback loop and all that. And I think that's good advice for every and any industry, regardless of what their core business is. Jabardast. तो अब ऑडियंस को मुखातिब कर रहा हूँ थैंक यू जिन लोगों ने हमारा सेशन अटेंड किया और इस सीरीज का जो मकसद है वो यही है कि हम अपने पाकिस्तानी अमेजिंग प्रोफेशनल्स को आपके सामने लाएं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स आपके सामने आ रहे हैं एक डिबेट स्टार्ट हो देर इज़ नथिंग रॉन्ग और गुड और बैड अबाउट एनी फ्रेमवर्क आप क्रिटिक करें उसमें देखें आपके लिए क्या काम कर रहा है और यही मैं चाह रहा हूँ कि अब इंगेजमेंट भी स्टार्ट हो तो
आप हमारे साथ इंगेज करें, कमेंट्स नीचे छोड़ें, हम इस कन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे. इसमें से हमको फीड भी मिलेगा कि हम और टॉपिक्स के ऊपर बात करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को जो है आगे लोगों तक फैलाएं. और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम अमेजिंग प्रोफेशनल से बात करें, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि यंग प्रोफेशनल जो हमारे शो पे आना चाह रहे हैं वो आके हम पैनल डिस्कशंस में बैठे हैं, हम लर्न करें. जिस तरह सदफ ने अभी कहा कि रिवर्स मेंटरिंग का जो एलिमेंट है, हम ट्रेडिशनलिस्ट प्रॉब्ली हो चुके हैं एंड वी नीड टू हेयर फ्रॉम द यूथ कि भाई आप लोग क्या देख रहे हैं अपने फ्यूचर के अंदर, एंड लेट्स डिबेट, लेट्स इंगेज. और इसमें सीखने सिखाने वाला माहौल होगा जो कि यूटीपी की यूटोपिया का कोर एजेंडा है कि वी वॉन्ट टू क्रिएट अ वर्ल्ड जहाँ सीखने सिखाने वाला माहौल हो और एक दूसरे से लोग सर्व कर रहे हो, एक दूसरे को और एक दूसरे से सीख रहे हो. तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर हम हाजिर होंगे. सदफ़ को एक दफ़ा बहुत शुक्रिया फिर से कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला. वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी उमर, इट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप दैट दिस सीरीज पिक्स अप एंड जनरली काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं. So definitely, you know, worth watching. I would recommend anybody that I know of to follow and bahut go. Bahut All right. Bahut Have shukriya. A great day. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.